सो है माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजेंद्र बाबू भवन के बारे में, जो कि चेन्नई में है। तो हम अपने भाई के ऑपरेशन के लिए गए थे शंकर नेत्रालय, जो कि मेरा दूसरा वीडियो में है, वहाँ पे डाला हुआ यूट्यूब में। तो आप अगर कहीं से भी जाते हैं ऑपरेशन के लिए, या अपोलो जाते हैं या शंकर नेत्रालय हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर अगर कोई भी हॉस्पिटल जाते हैं, चेन्नई में एक ही हॉस्पिटल नहीं है, अनगिनत हॉस्पिटल है, और सब वहाँ पर बहुत बढ़िया डॉक्टर भी है और हॉस्पिटल भी बेस्ट है। तो आप वहाँ पे जाते हैं रहने के लिए, तो रहने का साधन भी होना चाहिए। तो वहाँ पे हम गए थे तो मुझे होटल का भाड़ा लग गया था 700 रुपये करीब एक दिन का। तो 3 दिन मुझे रहना पड़ा था वहाँ पे, 700 रुपये, 2100 रुपये मेरा लग चुका था 3 दिन का भाड़ा। तो एक अंकल थे मेरे, वो बताएं मुझे कि राजेंद्र बाबू भवन के बारे में, जो वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी में है। स्टेशन से 150 रुपये लगता है जाने के लिए, सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 150 रुपये लगता है जाने के लिए। तो मैं बिहार भवन गया, वहाँ पे पता कर लिया क्या साधन है और रहने का कैसा व्यवस्था है। तो वहाँ पे मुझे बताया गया कि यहाँ पे आप आइएगा तो 20 रुपये में आप एक आदमी रह सकते हैं। तो जितना आदमी जाइएगा उसके अनुसार आपका पैसा लगेगा, और खाने के लिए एक टाइम का 25 रुपये लगता है खाना। तो बिहार भवन जो है, राजेंद्र बाबू भवन, जो कि बिहार भवन के नाम से जाना जाता है, तो चलिए मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ और क्या है क्या नहीं है आपको दिखाते हैं। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑटो पे मैं बैठ चुका हूँ सेंट्रल रेलवे स्टेशन से बिहार भवन के लिए, तो चलिए। यहाँ से मरीना बीच भी जा सकते हैं, राजेंद्र बाबू भवन के लिए भी जा सकते हैं, और एयरपोर्ट का रूट भी यही है, और शंकर नेत्रालय भी इधर से ही जाया जाता है। बस यहाँ से लेफ्ट और राजेंद्र भवन हम पहुँचने ही वाले हैं, और यहाँ पे ये शंकर भगवान का बहुत ही प्यारा मंदिर है, और आगे एक चर्च भी है, और ये राजेंद्र बाबू भवन का गेट रहा। यहाँ पे एक वॉचमैन अंकल बैठते हैं, बहुत ही अच्छे थे, और वो रहा वापस, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं आके। और चलिए ऊपर चलते हैं, ये यहाँ पे सूचना दिया हुआ, आप इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं। और ये यहाँ पे देखिए, बहुत कोई रह रहे हैं जो हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए आए थे, या अपने भाई या परिवार को लेके जो आए हैं यहाँ पे रह रहे हैं। और बगल में रूम बना हुआ, उसके लिए अलग चार्ज है, आप बात कर सकते हैं ऑफिस में। और यहीं पे खाना बनाया जाता है, और ये जो बना रहे भैया लोग यहाँ के देखभाल भी करते हैं सही से, और ये लोग बहुत ही अच्छे थे। और ये ऊपर का और बिल्डिंग है, यहाँ पे रूम भी है, उसके लिए 150 रुपये चार्ज है, लेकिन उसके लिए एक महिला भी होना चाहिए साथ में, एक जेंट्स के लिए केवल नहीं दिया जा सकता है रूम। तो आप चेन्नई आते हैं इलाज के लिए, तो आप यहाँ पे ज़रूर आकर रह सकते हैं, मात्र 50 रुपये में आपका दिन भर का खर्चा निकल जाएगा, और 25 रुपये पर टाइम आपको खाना का देना पड़ता है बस। तो यही रहा राजेंद्र बाबू भवन, जो कि बिहार भवन के नाम से जाना जाता है। मैं तो कहूँगा होटल से सबसे बेस्ट यही जगह आपके लिए रहेगा, तो आप ज़रूर आइए। तो फ्रेंड, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को इससे मदद मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।